आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, आज ये एक गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स आए हैं, सर्कुलर जारी हुआ है, ऑल यूएलबीज जितने भी 40 यूएलबीज है होल कश्मीर प्रोविंस में, बल्कि ये पूरे मतलब जम्मू कश्मीर में, इसमें यह है कि इंटेंसिव कैंपेन अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक से आज़ादी, यानी ये जो प्लास्टिक की वबा फैली हुई है इस वक्त, इस प्लास्टिक से हम कैसे आज़ाद हो जाएंगे, इस बारे में इस वक्त ये हमें पूरा डायरेक्टिव्स मिले हैं और हमें कैसे इसको फॉलो करना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे लोगों तक इसको पहुंचाना है, उसका आज से शुरुआत हो रही है। 1 अगस्त से ये जो आज़ादी अमृत महोत्सव के अंडर मनाया जाएगा, ये पूरा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक ये चलेगी ये कैंपेन। और इसमें आज जो ब्रीफिंग देनी है इन प्रोग्राम्स के बारे में, जो प्रोग्राम आज चलेंगे इन 15 दिनों तक, 15 अगस्त तक, और ये सिलसिला चलता रहेगा आगे, हम कैसे इस प्लास्टिक की वबा से निजात पाएंगे। और इसमें सबसे जो हमने मधु किया है यहाँ पे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सबसे जिन जो अहम रोल बनता है इनमें, हमारे साथ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, हमारे साथ में फॉरेस्ट कॉरपोरेशन भी है, और खास तौर से हमारे साथ में इस वक्त जो बैठे हैं जो ट्रेड फेडरेशन, यहाँ की हाजिन की ट्रेड फेडरेशन, उसके नुमाइंदे हमारे साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये रेस्पेक्टिव सिटीजन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हम यहाँ से यही मैसेज देंगे, यही मैसेज पास ऑन करेंगे, और आज इसकी शुरुआत करेंगे कि कैसे हम इस चीज को रोकेंगे, इस प्लास्टिक की वबा को, जो हमें सिंगल यूज प्लास्टिक खास तौर से, चाहे वो ये जो बोतल का बिस्लरी पानी हो इसकी ये बोतल, चाहे वो कोई रैपर हो, ये रैपर कितना मुजिर है हमारी इस लाइफ के लिए, या चाहे वो शादियों में जो ये इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त डिस्पोजेबल प्लास्टिक, वो कितना मुजिर है। सब लोग जानते हैं कि प्लास्टिक जो है एक ऐसा जहर है जो गलने वाली चीज नहीं है, अगर ये 100 साल भी जमीन के नीचे रहे और ये गलने वाली चीज बिल्कुल नहीं है, और हमें इस प्लास्टिक की वबा से कैसे नजात पाना है, इसके लिए एक शेड्यूल बना हुआ है, जो शेड्यूल आज से शुरू होगा, आज 1 अगस्त से शुरू होगा, एक प्लग रन से शुरू होगा वो, और एक प्लग रन चलेगा, जिस प्लग रन 1 अगस्त से 3 अगस्त तक प्लग रन चलेगा, और उस प्लग रन का मकसद ये है कि जितने भी वॉलेंटियर्स है या जितने भी ये सफाई मित्राज है हमारे, और ये इस प्लग रन में उसमें हम दावत दे देंगे अपने जितने भी यहाँ पे वॉलेंटियरली उसमें हिस्सा लेना चाहेंगे, जैसे हमारा ट्रेड फेडरेशन है, जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट है, जैसे हमारी और यूनियंस है, उनको भी हम मधु करेंगे उसमें कि ये इस प्लग रन में हमारे साथ में शरीक हो जाए। और उस प्लग रन का मकसद है कि एक रन होगा और वो स्लो रन, स्लो मोशन का रन होगा, वो ड्राइव चलेगा एक, और उसमें से बाकायदा वो मतलब चलते चलते जो भी रास्ते में प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पड़ा होगा उसको जमा करते हुए वो जाएंगे, और ये मैसेज देते जाएंगे लोगों को कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, ये इसे पूरा ये जो है वबाई बीमारी, और ये जो ऐसा जहर है जो कभी गल नहीं सकता है, और इसकी इसके साथ साथ 4 अगस्त से 5 अगस्त तक एक रोड शो होगा, रोड शो एग्जिबिट दैट ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैंड फ्रॉम 1 जुलाई एंड इट इज हार्मफुल इफेक्ट्स, लोगों को बताते जाएंगे कि इसे एनवायरमेंट माहौलियात पे क्या असर पड़ता है इस सिंगल यूज प्लास्टिक से। और इसमें इस रोड शो में हमें जितने भी अपने चाहे मार्केट्स होंगे, चाहे वाटर बॉडीज होंगी, चाहे पार्क्स होंगी, उनका बाकायदा एक शो होगा वहां पे वॉलेंटियर्स का, अपने सफाई मित्राज का, अपने स्टाफ का, और वो साथ में चलेंगे और इस रोड शो को आगे बढ़ाते हुए लोगों को मैसेज देते हुए जाएंगे। और हाफ डे वर्कशॉप जो है वो हमारा 6 अगस्त से चलेगा, 6 अगस्त से 8 अगस्त तक,
जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे अपने मार्केट एसोसिएशन, मोहल्ला कमिटीज, या जितने भी इसमें अपने एनजीओज वगैरह जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे वॉलंटियरली, और वो हाफ डे वर्कशॉप्स चलेंगे, और उसमें भी बाकायदा यही मैसेज आगे बढ़ता जाएगा कि कैसे हम सिंगल यूज जो है ये प्लास्टिक, कैसे हम इसकी वबा को रोकेंगे और कैसे हम इसको जो है खत्म करेंगे। और इसमें एक ये दिया हुआ है, एक वहीं से हमें मैसेज भी देना है लोगों को कि जब भी घर से निकले मार्केट की ओर, एक बैग साथ में उठाते हुए जाए, एक वो बैग साथ में उठाते जाए जो कपड़े का होगा, और उसे ये मैसेज जाएगा कि ये जितना भी रास्ते में कूड़ा करकट ये मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक का फैला होगा वो उठाते हुए जाएंगे, ताकि हम इस वबा से बाहर निकल आए। और ये कैरी योर बैग कैंपेन जो है ये चलेगी हमारी 2 अगस्त से 15 अगस्त तक कंटिन्यू ये कैरी योर बैग कैंपेन चलेगी। और मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, यहाँ के तमाम स्टेक होल्डर्स को, यहाँ के तमाम यूनियंस को, यहाँ के तमाम जो बाशूर यहाँ का अवाम है हमारा, खास तौर से यहाँ के मस्जिद कमिटीज, मोहल्ला कमिटीज, उनको मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा कि इस सर्कुलर को, ये सर्कुलर बाकायदा शाया होगा, ये जगह जगह शाया होगा ये सर्कुलर, और ये सर्कुलर जो हमारा, ये यहाँ के जितने भी हमारे डिस्प्लेज है, और बाकायदा उसमें एक मैसेज भी चलेगी इन दिनों कि सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे हम बैन करेंगे। हमारे आपको मालूम होगा कि हमारे हाजिन म्युनिसिपल इस इदारे की ओर से 3 डिस्प्ले इस वक्त लगे हुए हैं, एक हाजिन ब्रिज पे, एक हाजिन मेन मार्केट में, एक हाजिन के एंट्रेंस पॉइंट जो पुलिस स्टेशन हाजिन है वहां पे लगा हुआ है, उस पे बाकायदा ये सारा मैसेज चलेगा कि कैसे हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करेंगे, और कैसे हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखेंगे, और कैसे हम अपना ये वातावरण बचाएंगे, कैसे हम अपने वाटर बॉडीज को बचाएंगे। उसके साथ साथ इसमें एक और जो प्रोग्राम आया हुआ है वो ये है कि जितने भी हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे स्कूल, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट के स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, उनमें भी बाकायदा ये कैंपेन चलेगी कि कैसे हम ये सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करेंगे और कैसे हम अपना वातावरण बचाएंगे। और उसमें हमारे प्रोग्राम जो है 9 से 11 अगस्त तक चलेंगे, जो स्कूल्स में चलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चलेंगे, उसमें भी एक मास प्लेज रहेगा, एक मास प्लेज यानी जो स्कूली बच्चे होंगे, जो तालिब इल्म होंगे, उनसे एक प्लेज लिया जाएगा, एक हल्फ बर्दारी होगी कि हम अपने वातावरण को कैसे बचाएंगे, हम अपने वातावरण को कैसे सेफ रखेंगे, कैसे महफूज रखेंगे, उसके लिए बाकायदा एक ये प्लेज होगा, एक हल्फ बर्दारी की वो चलेगी, प्रोग्राम चलेगा। और ये प्रोग्राम भी म्युनिसिपल कमेटी की ओर से और इनके जो इस्तराक से, जो बाकायदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे उनके इस्तराक से ये प्रोग्राम भी आगे बढ़ता जाएगा। और साथ साथ जो है 2 से 15 अगस्त तक, कल से ही हमारा एक मैसेज जो है मीडिया के जरिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वो रेडियो हो, FM हो, हर मीडिया में जो है ये मैसेज चलेगी कि सिंगल यूज प्लास्टिक, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, कैसे हम बचें इस सिंगल यूज प्लास्टिक से, ये भी 2 से 15 तक चलेगा। और क्लियर, उसके बाद जो है 12 से 13 जो है अगस्त को हमारा एक और कैंपेन चलेगी, जो क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स एंड वाटर बॉडीज, जितनी भी हमारी ये ड्रेन्स वगैरह है, इसका एक बाकायदा ड्राइव चलेगा, और इसको जो है कैसे हम क्लियर करेंगे, उसमें से भी मैं जो है ये अपने जितने भी रेस्पेक्टेड सिटीजन्स हो है उनको हम गुजारिश करेंगे कि वो इस चीज का भरपूर सहयोग करें, इस चीज का साथ दें, ताकि हम अपने वातावरण को साफ रखें। और ये जो है 12 से 13 अगस्त के बीच में ये प्रोग्राम चलेगा, और सोशल मीडिया कैंपेन भी इसके साथ साथ, प्लास्टिक आजादी, और ये जो है शेयरिंग स्टोरीज ऑन टेंडरिंग ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और ये भी जो है 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चालू रहेगा, आज से ही चालू रहेगा। जितने भी हमारे
वसाइल है, अपने मीडिया के वसाइल है, चाहे वो फेसबुक पेज है, ट्विटर है या व्हाट्सएप ग्रुप्स है, सब में ये मैसेज चलता जाएगा। और दूसरा तीसरा जो है ये इसमें 15 नंबर पॉइंट जो है दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक लिटरिंग हॉटस्पॉट्स। जितने भी हॉटस्पॉट्स है, चाहे कहीं पे पार्क है, अगर वहां पे यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा हो, कैसे हम उसको बचाया जाए उस पार्क को, क्योंकि वहाँ हमारे ही बच्चे खेलते हैं, कैसे मतलब बस अड्डा हो, कैसे मेन मार्केट हो, कैसे हम उसको बचाया जाए, उसका भी 1 से 15 तक बाकायदा इसका ये विजिट रहेगा, इसका बाकायदा ड्राइव चलेगी, जॉइंट ड्राइव चलेगी। और इन्फोर्समेंट जो है हमारा 16 नंबर पॉइंट जो है इन्फोर्समेंट का है, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट थ्रू फ्रीक्वेंट चेकिंग सीजर ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, इम्पोजिशन ऑफ लाइन एंड लॉन्चिंग ऑफ एफ आई आर अगेंस्ट द वायलेटर्स। जो इसका वायलेशन करेंगे, रूल वायलेट करेंगे, उसके लिए एक इन्फोर्समेंट टीम बनाई जाएगी, और वो इन्फोर्समेंट टीम जो है बाकायदा रोडों पे, चेकिंग स्पॉट्स पे, हमारे जितने भी ये टोल पोस्ट है वहाँ पे, हमारे मार्केट स्पॉट्स है वहाँ पे रहेंगे, और बाकायदा वो गाड़ियों को चेक करेंगे। और जहाँ पे भी ये नए सिरे से आज जो है, आज से हम ये अहद करके जाएंगे कि हम जो है टोटल सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करेंगे, और हम जितना भी इसके अल्टरनेटिव आ रहे हैं, चाहे जूट का बैग हो या कागज का बैग हो, उसका इस्तेमाल करें, और अगर वायलेटर्स तब भी वायलेशन करेंगे, और उनके लिए एक बाकायदा इन्फोर्समेंट टीम बनाई जाएगी जो इस चीज को जो है स्ट्रिक्ट एक्शन करेगी और अगेंस्ट एफआईआर होंगे। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe Kashmir Global Times YouTube channel and push the bell icon for more updates.